हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे रोस्टेड टमाटो चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। इसे आप रोटी, पराठा या पूरी के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर 4 पीस, लहसुन 1 पीस, हरी मिर्च 3 पीस, प्याज 1 छोटा साइज, ताज़ी धनिया पत्ती 1 कटोरी, ताज़ी पुदीना की पत्ती 1/2 कटोरी, नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार, सरसों का तेल 1 टीस्पून। सबसे पहले गैस के ऊपर एक जाली रख दें। अब इसके ऊपर टमाटर रख दें। अब गैस का फ्लेम ऑन कर दें। अब टमाटर को अच्छी तरह से हर साइड से अच्छे से रोस्ट कर लें। अगर आपको इनकी जगह देसी टमाटर मिले तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे चटनी और भी अच्छी बनेगी। टमाटर को बीच बीच में पलटते रहें। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब इसमें लहसुन और हरी मिर्चें रख दें और इनको भी हर साइड से अच्छे से रोस्ट कर लें। लहसुन की पूरी एक साबुत कली लेनी है। इनको रोस्ट करने से चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की बाहर की स्किन निकाल लें। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। लहसुन भी इस तरह से छील लें। इसको रोस्ट करने से इसका छिलका आराम से निकल जाता है। चटनी तो आपने बहुत खाई होंगी, एक बारी इसको जरूर बना के देखें। रोस्ट करने पे इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर भुना हुआ पार्ट हल्का सा रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे स्वाद और भी अच्छा आएगा। अब एक चॉपर या फिर ग्राइंडर ले लें। अब इसमें प्याज को काट कर डाल दें। अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन भी डाल दें। इसे अच्छे से चॉप कर लें। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो इस चटनी को सिलबट्टे में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें धनिया पत्ती डाल दें और इसे भी अच्छे से चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, बट इसको बिल्कुल ग्राइंड मत कर दीजिएगा, इसको हल्का सा दरदरा ही रखना है। अब इसमें पुदीना पत्ती डाल दें और इसे भी अच्छे से चॉप कर लें। ये देखिए, इस तरह से चॉप हो गई हैं। इन्हें एक सर्विंग बोल में निकाल लें। अब इसी में टमाटर को चॉप कर डाल दें।
अब इसे भी अच्छे से चॉप कर लें। अब इसे ग्रीन मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें नमक और सरसों का तेल डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सरसों का तेल डालने से चटनी का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको सरसों का तेल ना पसंद हो तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लीजिए, रोस्टेड टोमेटो चटनी तैयार है। आप इसे चपाती, पराठा, पूरी या फिर दाल राइस के साथ सर्व करें और इसको एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।